जय श्री राम भक्तों, जय सन्यासी बाबा की, जय बागेश्वर धाम सरकार की। हम अपने इस वीडियो में इतना खास दिखाएंगे जो आप बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव को जानते हैं, उनको फॉलो करते हैं, गुरु मानते हैं, आज उनकी फैमिली, उनका पूरा परिवार से और किस चीज़ से उनकी आज उन्नति और शक्तियाँ मिल रही हैं, सभी इस चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। जो माध्यम से बैकग्राउंड के पीछे आप दिख रहे होंगे फोटो के वीडियो, उनकी माताएं, उनकी बहन, उनके भाई, उनके जीजा, उनके पिताजी, सन्यासी बाबा, बालाजी, हर किसी के दर्शन होंगे इस वीडियो के माध्यम से। गुरुदेव जब कम वर्ष के थे तो उनकी उसमें फ़ोटो भी है, और उनके पिताजी, उनके भाई जो शालिग्राम है, और उनकी बहना, और यहाँ तक कि उनके मित्र भी जो खास प्रिय मित्र हैं, उन सबके फ़ोटोज़ में दिखाई जाएंगे वीडियो में। आप देख रहे हैं उनकी बहन भी बागेश्वर धाम सरकार की बहुत सुंदर है, गुरुदेव भी बहुत ही प्यारे सुंदर लगते हैं, आप सभी जानते हैं। माता और सन्यासी बाबा और बालाजी, ये उनके परम शक्ति हैं जो उनको प्रदान करते हैं। और यहाँ तक कि सन्यासी बाबा की इतनी कृपा है गुरुदेव के, हर पल हर क्षण उनके साथ शक्तियाँ रहती हैं गुरुदेव के। कोई अभी जो दिव्य दरबार लगाया था अपने घर के सामने गुरुदेव ने, तो एक चोरी का केस आया था गुरुदेव के पर्चे में, जो चोरी का केस खोला था गुरुदेव ने, जो धाम पर साधु बन के आए थे, और उस व्यक्ति का, उस भक्त का दृश्य यानी कि रहस्य खोला पर्चे में। जो सन्यासी बाबा प्रेरणा देते हैं गुरुदेव वही पर्चे में लिखते हैं, और वो कभी झूठ नहीं निकलता, हर भक्त अपने मुँह से स्वीकार करता है, यही परेशानी लेके आया था मैं दरबार में, यही मेरे मन में चल रहा था, यही मेरे जीवन में हो रहा है। बालाजी की कृपा है जो आज सन्यासी बाबा ने अपने तप पे ये शक्तियाँ प्राप्त की, आज वो इस धारा पे नहीं है लेकिन उनका नाम फिर भी चल रहा है। और गुरुदेव दीनेंद्र शास्त्री जी उनके नाम को रोशन कर रहे हैं, आज उनके नाम को चला रहे हैं, और उनकी तप किए हुए मेहनत आज रंग ला रही है, बेसहारों का सहारा बन रहे हैं, और जो दुख होते हैं, दुखी होते हैं, रोग घेरते हैं, प्रेत बाधाएँ घेरती हैं, प्रेत बाधा जब लग जाती है भक्तों, कितनी कठिनाई, कितना ज़्यादा हमें पीड़ा पहुंचाती है, हमारे अंदर खान पीन सब वो खाती है, और हमारे घर में कलेश करती है, हमारी बॉडी का खून चूसती है, कितना कुछ हमारे नकारात्मक घुस जाती है हमारे अंदर, कितना परेशानियाँ देती है हमें, शरीर को कष्ट देती है, यहाँ तक कि फैमिली को भी खतरा हो जाता है, और वो भी बहुत परेशान हो जाता है, और हमें अपने आप को सही कराने के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ जाता है। बागेश्वर धाम सरकार केवल मात्र बालाजी के भरोसे बहुत ही और चिमटे की माल लगाते हैं सन्यासी बाबा की सेना, और उस प्रेत बाधा को इतनी माल लगती है कि वो शरीर छोड़ने पर बेवश हो जाते हैं। और कहते हैं ना, बाबा चिमटा खवा के बचन भरवाई ले, चरणों में गिरकर प्रेत बाधा पेड़ से बंध जाती है। वहाँ पे मध्य प्रदेश गढ़ा गाँव में धाम पर एक पेड़ है, प्रेत पेड़, जिस पर प्रेत बाधाओं को बांधा जाता है, और बागेश्वर धाम सरकार अपने हवन करते हैं उन प्रेत बाधाओं के लिए जो भक्त के शरीर में द्वारा से प्रवेश ना कर पाए, और प्रेत बाधा योनि से उनको मुक्ति प्राप्त हो। सन्यासी बाबा की कृपा और सन्यासी बाबा की शक्तियाँ, बालाजी की शक्तियाँ, कहते हैं प्रेत बाधा वाले थर थर कांपते हैं हनुमान जी का नाम सुनकर, और हनुमान जी के जब भी हनुमान चालीसा उच्चार करते हैं प्रचार, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोम रोम में एक अलग ही शक्ति सी गूंजने लग जाती है। आज सन्यासी बाबा की वो सारी मेहनत, वो सारी तप किया हुआ आज बागेश्वर धाम सरकार के यानी कि दीनेंद्र शास्त्री जी के हर पल साथ रहती हैं, वही अपने दादा गुरु का नाम रोशन कर रहे हैं, आज उस पद पर खड़े हैं, बड़ा से बड़ा सुपर डुपर नेता, सिंगर, एक्ट्रेस और महासंत, हर कोई गुरुदेव से मिलने की श्रद्धा रख चुके हैं और मिल चुके हैं, आशीर्वाद प्राप्त कर चुके हैं। गुरुदेव का हृदय बड़ा निर्मल है, हर किसी भक्त को बहुत ज़्यादा अपने अनुभव कराते हैं कि उनको ये नहीं, इतना बड़े पद पर भी उनको कदापि अहंकार और ज़्यादा भी घमंड नहीं है, हमेशा सरल और सहजता में रहते हैं गुरुदेव,
और हर कोई उनसे मिलकर बड़ा प्रसन्न बड़ा खुश होता है। तो इस वीडियो में हमने आपको गुरुदेव के परिवार का दर्शन कराए, गुरुदेव के परिवार की शक्तियों के बारे में, सन्यासी बाबा के और बालाजी के। तो प्यारे प्यारे कमेंट कर दो, अगर गुरुदेव को मानते हो, गुरुदेव को गुरु मानते हो तो इस प्यारे प्यारे कमेंट करें गुरुदेव के लिए। और ऐसी वीडियो हम रोज़ पढ़ते दिन आपको दिखाते रहें, इनके दर्शन कराते रहें, इनके बारे में अपडेट देते रहें। चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों मैं वीडियो बनाने में, आपको सभी को पता है, मेहनत हर वीडियो बनाने में लगती है। तो आपका एक सब्सक्राइब करने से या लाइक करने से कुछ नहीं जाता। और जिसके जीवन में परेशानियाँ हों, बालाजी से यही प्रार्थना है जल्दी स्वस्थ हों। और अगर गुरुदेव से जुड़ना चाहते हो तो इनकी आप धाम पे जा सकते हो, और धाम पे नहीं जा पा रहे हो तो आस्था चैनल पर इनकी कथाएँ आती हैं, कथा से जुड़ कर अपना जीवन को धन्य कर सकते हो, घर बैठे अपना ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। गुरुदेव बहुत बहुत दूर तक कथाएँ करते हैं, और जहाँ भी कथा करते हैं वहाँ पर अपने सनातन धर्म का प्रचार करके सनातन धर्म की खुशबू और ध्वजा लहरा देते हैं। और हनुमान जी का तो उद्देश्य ही यही है, जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, वहाँ वहाँ पैरा लागे वीर हनुमान का, छमे छमे नाचे देखो वीर हनुमाना। हमारे बजरंगबली को तो यही रुचि है, जहाँ मेरे राम का नाम वहाँ मेरे हनुमान जी। तो जहाँ हनुमत कथा होती है, राम जी के उसमें कथा होती है, तो हनुमान जी साक्षात किसने